हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका ढेर सारा स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मुझे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर देना। वीडियो आप मेरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नया लैपटॉप लेके आया हूँ अनबॉक्सिंग का। ये HP का लैपटॉप है और HP का जो है i3 11th जनरेशन है और इसमें 8 GB रैम और 256 GB SSD है। इसके पहले मैंने डाला हुआ था 1 TB हार्ड डिस्क का और उसमें SSD नहीं था, बट 8 GB रैम था, i3 11th जनरेशन था। और ये जो है ये भी i3 11th जनरेशन है, 8 GB रैम है, बट इसमें 256 GB SSD है। इसमें आपको अगर आप कैसा होता है कि ना, बहुत से लोग का डिमांड ज़्यादा रहता है कि उनको SSD वाला लैपटॉप बाय करना है, बट अगर आप 256 GB SSD में जाते हो तो आपका प्राइस कम आता है, बट फिर उसमें ये प्रॉब्लम ही हो जाता है कि आपका डाटा वगैरह ज़्यादा आप सेविंग नहीं कर सकते हो। अगर आप जैसे इसे 512 GB SSD में जाते हो तो सीधा प्राइस 4 से 5 हज़ार रुपये बढ़ जाता है। इसीलिए आप मार्केट में आप देखेंगे तो HDD वाले SSD 256 GB 512 GB SSD सारे के सारे अवेलेबल हैं। आप उसमें से आपका जो भी, आप जिस तरह से आपका बजट है आप बाय कर सकते हो। यूज आपका उसमें लगभग लगभग सबका वही चलेगा, जैसे होम यूज़, ऑफिस यूज़ हो गया, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हो गया, इंटरनेट सर्फिंग वगैरह हो गया। तो SSD वाला है तो भी आपका उसमें परफेक्ट चलेगा, और नहीं है तो भी आपका उसमें चलेगा, और नहीं है तो उसमें आपका SSD का स्लॉट तो आता ही है, आप आगे चल के SSD वगैरह उसमें आप लगा सकते हो। तो दोस्तों, ये जो HP का लैपटॉप है उसका मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ और आपको पूरा डिटेल और उसमें क्या क्या है और उसमें आप और क्या क्या यूज कर सकते हो, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताते चलूँगा। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और अपने दोस्तों वगैरह में भी आप शेयर कीजिए, क्योंकि मैं लैपटॉप के और सॉफ्टवेयर वगैरह के वीडियो लेके आते रहता हूँ, उससे आपका भी बेनिफिट होगा, उनका भी होगा। तो दोस्तों, चलिए मैं आप अनबॉक्सिंग का वीडियो शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, यह रहा बॉक्स जिसका मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ। HP का है और ये देखिए, यहाँ पे इसमें MS ऑफिस का टैग लगा हुआ है, लोगो, यानी कि इसमें MS ऑफिस है। HP के सारे लैपटॉप में जिसमें MS ऑफिस होता है वहाँ पे टैग रहता है। देखो, अप्रैल की ये मैन्युफैक्चरिंग है 2021 की, और इसका जो MRP भी आपने देख लिया है। इसका मॉडल नंबर है H14S DQ2100TU i3 11th जनरेशन है, 256 GB SSD, 8 GB रैम, ऑप्टिकल ड्राइव नहीं है, विंडो 10 है इसमें, और इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है। और इसका जो है ये 14 इंच में आता है, 14 इंच में जब ये रहता है लैपटॉप HP का तो 14S वहाँ पे लिखा रहता है। और यहाँ पे इसके यूज़र मैनुअल है। इसकी जो पैकिंग है ना, थोड़ा सा अलग आई हुई है। अभी तक जो मैं अनबॉक्सिंग करता था उसकी पैकिंग थोड़ा सा अलग थी। यहाँ पे जो ये कार्टून लगा हुआ है अंदर, इसका ये रहा चार्जर 65 वाट का। तो इसका जो बॉक्स है थोड़ा सा अलग टाइप का दिया हुआ है और है अच्छा है। पैकिंग वगैरह में भी ये सब में चेंजेस करने चाहिए, हम लोग को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ओपन करेंगे तो देखेंगे, हाँ बोलेंगे कुछ नया पैकिंग है, वही आज लगा इसमें ओपन करने के टाइम पे। और ये देखिए, यहाँ पे इसका ये पैकिंग मैं आपको बता रहा था, और ये ब्लैक कलर का है, स्पार्किंग ब्लैक, ये ब्लैक कलर का है। और इसकी जो बॉडी है दोस्तों, ये ना स्क्रैच प्रूफ है। यहाँ पे आप देखेंगे ना, इसमें स्क्रैच नहीं आएगा जल्दी, और थोड़ा बहुत स्क्रैच अगर लगेगा भी तो दिखेगा नहीं, क्योंकि इसका लुक ही वैसा है। ये रहा इसका बैक साइड का, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ये रहता है, वहाँ से जो एयर CPU फैन होता है उसका एयर कूल बाहर से आता है, एयर हीट। और ये रहा इसका फ्रंट का, ये 14 है, या इसमें आपको फुल कीबोर्ड नहीं मिलेगा। लुक वगैरह तो काफ़ी अच्छा है, कीबोर्ड वगैरह सॉफ्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बैकलिट कीबोर्ड नहीं है इसमें, कीबोर्ड में लाइट नहीं है। और यहाँ पे देखिए, लोगो लगा हुआ है MS ऑफिस का और i3 11th जनरेशन का। तो ये 14 इंच में i3 11th जनरेशन है। इसमें मैंने आपको बताया 8 GB रैम, 256 GB RD है। इसका जो 256 GB SSD है, इसका जो डिस्प्ले है वो HD डिस्प्ले है, ग्लोसी फिनिश है, एंटी ग्लेयर नहीं है, ग्लोसी है। और इसका जो बॉडी है फाइबर की है, ये प्लास्टिक नहीं रहती, फाइबर की है। और यहाँ पे कीबोर्ड वगैरह सब एकदम ओके है। और ये दोस्तों, इसमें सिर्फ आपको स्पेस थोड़ा सा कम मिलेगा, बट लैपटॉप एकदम परफेक्ट है और स्पीड वगैरह काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें SSD है। इसमें साटा का स्पेस रहता है, सारे लैपटॉप में साटा का स्पेस रहता है। आप उसमें चाहो तो हार्ड डिस्क लगवा सकते हो, बट उसके लिए आप बाय डायरेक्ट मत करो, उसके लिए एक बार आप उसका, मैंने लिंक डाल के रखा हुआ है, आप उसमें SSD और HDD वगैरह के आप स्लॉट चेक कर सकते हो कि उसमें है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए, CPU फैन का जो हीट होता है बाहर निकलने के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। ये ज़्यादातर अभी HP का मॉडल जो आ रहा है मैं देख रहा हूँ, वो डिस्प्ले के नीचे ही यहाँ पे ही बनाते हैं, पहले लेफ्ट साइड में या राइट साइड में रहता था,
और इसमें पोर्ट के देखेंगे ना तो लेफ्ट साइड में ओनली इसमें एसडी कार्ड यानी कि जो कैमरे का मेमोरी कार्ड वाला आता है बड़ा वाला वो उसका स्लॉट है। और राइट साइड में यहाँ पे देखिए दो यूएसबी है, एक एचडीएमआई है, एक टाइप सी है, एक ऑडियो जैक है और एक जो है पावर का कनेक्शन है। तो ये राइट साइड में इतना पोर्ट दिया हुआ है, दो यूएसबी इसमें दिया हुआ है, टाइप सी भी है, एचडीएमआई पोर्ट है, ऑडियो जैक भी है। और इसमें यूज की बात करेंगे दोस्तों तो इसमें आपका ऑनलाइन क्लासेस और एमएस ऑफिस वगैरह पीडीएफ वगैरह हो गया, इसमें आप नॉर्मली कोडिंग वगैरह भी कर सकते हो। अगर आपका बजट ज़्यादा लेफ्ट हैवी में लेने का नहीं है इसमें भी आपका काम हो जाएगा। और इसमें आप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इंटरनेट सर्विंग हो गया, इसमें आप कोरल ऑटो कैड वगैरह भी आप चला सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा क्योंकि 8 GB रैम है, 256 GB SSD है और i3 11 जनरेशन का है। तो इसमें वो सब भी आप नॉर्मल अगर जैसे आप लोग सोच रहे हो कि मैं ऑफिस यूज़ के लिए लूँगा बट इसमें मुझे कभी ऑटो कैड या कोरल वगैरह भी यूज़ करना है फाइल ओपन करके, फोटोशॉप हो गया कोई भी एक दो कि मुझे उसमें फाइल वगैरह ओपन करके चेक करते रहना है बट उतना मेरा कंटिन्यू यूज़ नहीं है, तो आप एकदम इसको ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, इसमें आराम से चलेगा। इसमें रैम का स्लॉट की बात करेंगे दो स्लॉट है, एक स्लॉट में 8 GB लगा हुआ है, एक स्लॉट जो है फ्री है, यानी कि 8 GB एक लगा हुआ है, एक में और आप 8 GB डाल सकते हो। बट मुझे तो जहाँ तक लग रहा है ज़रूरत नहीं रहेगा। इसका प्रोसेसर का क्लॉक देखिए 3 GHz है, i3 11 जनरेशन का 3 GHz स्पीड आ रहा है प्रोसेसर का और 2 कोर आ रहा है। और यहाँ पे देखिए SSD था 256 GB का। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है और सब मिला के एकदम परफेक्ट लैपटॉप है, यूजेस भी आप इसमें कर सकते हो। i3 11 जनरेशन यहाँ पे दिख रहा है, 3 GHz प्रोसेसर है और यहाँ पे 8 GB रैम है। इसमें आप ये सारे वर्क आराम से कर सकते हो और आपका कुछ क्वेरीज वगैरह रहेगा तो आप मुझे कमेंट भी कर देना। दोस्तों इसका स्पीकर ऊपर ही दिया हुआ है, इसमें ब्लूटूथ वाईफाई वगैरह सब है, इसमें आप अपने मोबाइल से इंटरनेट वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हो। इसमें मैकेफे का ट्रायल वर्जन एंटीवायरस आता है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का रहता है जो आप अपडेट करके कंटिन्यू यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसकी जो बैटरी होती है दोस्तों बैटरी देखो कंपनी अप टू 6 आवर्स बोल देती है, 8 आवर्स बोल देती है, बट आप कितना फोल्डर आप कितना मल्टीटास्किंग कर रहे हो उसके ऊपर आपकी बैटरी चलती है। आप मैक्सिमम मान के चलो 3 से 5 घंटे के बीच में आप बैटरी यूज कर सकते हो, 3.5 घंटा 4 घंटा बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे तो, नहीं तो फिर आपको 4 घंटे के आसपास या थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो ये सब मिला के अच्छा है। और डिस्प्ले बता दिया एंटी ग्लेयर है और 14 इंच का है, इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह भी मैंने बता दिया। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना। तो सब मिला के लैपटॉप एकदम ओके है, बैकलाइट कीबोर्ड नहीं है इसमें और इसका मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है। और इसमें नॉर्मल चार्जर आता है। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो मुझे सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, शेयर कर देना। और मेरे और भी वीडियो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाल के रखे हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आपका कुछ क्वेरीज वगैरह रहेगा मुझे बिंदास कमेंट करना, रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू।